Hello, guys, good morning to all. My name is Shivam Jagi. Welcome to Study Funda. So, here is the complete newspaper analysis of 24th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding. अब तीन मिलियन केस हो गए हैं तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे ऐसे एक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कोविड नाइन्टीन के तीन मिलियन से ज़्यादा केसेस हो गए तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे तो इसमें बहुत बार ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कितने केस हैं बहुत बार इसे कहते हैं हम कोविड नाइन्टीन को एक पेंडेमिक है पैंडेमिक है बहुत बार आपने सुना होगा एक पैनडेमिक है तो ये सब चीज़ है क्या कोई डिजीज़ एपिडेमिक हो जाता है कोई पैंडेमिक है ये सब क्या है तो एग्जाम में डायरेक्ट मैच द कॉलम में आ सकता है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको देखिए चार तरीके से डिसाइड होता है एक तो होता है एंडेमिक डिजीज़ एक प्रोडिक डिजीज एक एपिडेमिक

फिर होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है इंक्रीज हो जाते हैं केस किसी छोटे से एरिया में देखिए अफ्रीका का छोटा सा एरिया है बस और कहीं ये डिजीज़ नहीं है बस छोटे से एरिया में एकदम से केसेस बढ़ गए इंक्रीज केसेस इन लिमिटेड एरिया तो उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया इबोला इबोला आपने सुना होगा इबोला वायरस तो केवल अफ्रीका में था सबसे ज़्यादा तो ये ये हो गया फिर है इंडेमिक एंडेमिक क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में देखिए कॉन्स्टेंटली है किस एरिया में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है बराबर 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 तो कॉन्स्टेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो एक ये हो गया लास्ट है पैंडेमिक पैंडेमिक होता है ओवर कॉन्टिनेंट जो डिजीज सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चला जाए उसे हम बोलते हैं पेंडेमिक तो कोविड के साथ ये हो रहा है कोविड एक पेंडेमिक हो गया क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट में लगभग फैल चुका है तो ये चारों प्लीज आप ध्यान रखिएगा मैच द कॉलम में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैच दा कॉलम का सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ इंडिया कुड गेट वैक्सीन बाय ईयर एंड इस साल के एंड तक इंडिया को वैक्सीन मिल जाएगा अभी फेज़ वन ह्यूमन ट्रा क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है दो वैक्सीन का कौन कौन सी वैक्सीन है एक तो भारत भारत बायोटेक आई के साथ मिलकर बना रहा है एक जायटा सेडिलिया कंपनी है वो बना रही है तो इनका फ़ेज़ वन क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया फेज़ टू में आ गए तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं तो वो देखिए ये जान लीजिए देखिए किसी भी वैक्सीन को अप्रूव होने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सबसे पहले क्या होगा उसकी स्टडी होगी लैब में उस दवाई की फिर पहले एनिमल पे चेक करी जाएगी फिर पहले इंसान पे चेक करी जाएगी उसे हम बोलते हैं फेज़ ज़ीरो देखिए फेज़ ज़ीरो को अगर पूछ ले डायरेक्ट फेज़ ज़ीरो क्या है तो पहले इंसान पे जब दवाई चेक करते हैं उसको बोलते हैं फेज़ ज़ीरो फिर फेज़ वन में हम 10-20 लोगों पे दवाई चेक कर लेते हैं इतने लोगों पे, फिर इसमें 100 डेढ़ सौ पाँच सौ लोगों तक जाते हैं और फेस थ्री में कम से कम हज़ार हज़ार लोगों तक चले जाते हैं तो ऐसे करीबन तीन फेस होते हैं लेकिन फेस ज़ीरो आपने नहीं सुना होगा तो फेस ज़ीरो ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन टाइप चीज़ हो जाती है फेस जीरो में होता है वो पहला इंसान जिस पे हमने वो चेक करा है दवाई तो फेज़ जीरो उसे कहते हैं फेज़ वन फेज़ टू फेज़ थ्री तो आपको पता ही है अभी मतलब फ़ेज़ टू में आई है मतलब यहाँ पे अभी जब फेज़ थ्री भी करना पड़ेगा इन्हें फिर जाके अप्रूव होगी दवाई तभी आ पाएगी मार्केट तो इस साल के एंड तक ही आएगी ऐसा क्लियर है तो दिख ही रहा है सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ अब थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी तो अब ये नेपाल के बारे में बहुत बड़ा एडिटोरियल आया था इतना ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट का नहीं था एक्चुअली तो लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम है नेपाल की इसमें बाउंड्री डिस्प्यूट से लिख रहे हैं तो अब वही मैं बता देता हूँ अभी नेपाल ने तीन रीजन अपने मैप में शो कर लिए क्या क्या, क्या कालापानी लिपू लेक और लिम्पी दूरिया ये तीनों इंडिया के पार्ट हैं कैसे एक ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में मेरे को बहुत बार बोलते हैं सर ट्रीटी ऑफ़ सगौली 1815 में अब पता नहीं कैसे बोल रहे हैं लोग मेरे को तो जहाँ तक पता है एटीन में और जैसे इस आर्टिकल में भी 1816 लिख के आया है लेकिन बहुत लोग पता नहीं एटीन फिफ्टीन बोलते हैं अब इसका कन्फ्यूजन है यार मैं क्या बोलूँ कहीं एटीन फिफ्टीन है कहीं एटीन सिक्सटीन है इस एडिटोरियम में देखिए एट्टीन सिक्सटीन लिख रही है अब कोई बात नहीं ध्यान रखिएगा जो भी एग्जाम में आ गए वैसे ज़्यादातर एटीन सिक्सटीन में पढ़ी है तो अभी जो काला पानी है तो हमें ये ध्यान रखना है काला पानी के पास कौन सी रिवर निकल रही है तो काली रिवर या शारदा रिवर तो जो ट्रीटी ऑफ सगौली में इसमें काली रिवर को एज अ बाउंड्री बताया गया था कि काली रिवर का एक साइड का एरिया नेपाल का एक साइड का एरिया इंडिया का है तो पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है कि नेपाल वाले मान नहीं रहे तो काला पानी जो है वो काली रिवर है और शारदा रिवर इसके पास से गुजरती है ये दोनों एक ही रिवर का नाम है कहीं उसको काली बोलते हैं कहीं उसको शारदा बोलते हैं बस ये ध्यान रखिएगा और ये लिपू लेक है ये तो आपको पता ही है दूरी दूरिया तीन जगह डिस्प्यूटेड है हमारी टेरिटरी नेपाल और उत्तराखंड की ऐसी हमारी सराय तराई रीजन में यूपी के साथ भी बहुत सारे डिस्प्यूट है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं बस आप ये तीन नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि नेपाल ने अपने मैप में शो कर दिए तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज हाँ सेवरल एरिया इनकंडेड अब कृष्णा रिवर का लेवल बढ़ गया तो बहुत सारे एरिया डूबने की कगार पर आ गए तो मैं फिर से कृष्णा रिवर बता देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चार जगह से निकलती है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश <coughs> इसका औरिजिन कहाँ तो महाबलेश्वर में सहाद्री माउंटेन है वेस्टर्न घाट को सहाद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में तो सतारा महाराष्ट्र से निकलती है फिर ये इसकी राइट वैक ट्रिब्यूटरी है इसकी लेफ्ट वैंक ट्रिब्यूटरी तो राइट पे कौन सी है वर्ण पंचगंगा दूधगंगा घट प्रवाहबाल प्रवाह तुंगभद्रा और लेफ्ट में क्या है डॉन भीम डुंडी मूसी पलेरू मनेरू वर पे दूध घी मलतू ध धोवी डंडा मुसीबत पर मारे तो या ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ये याद कर सकते हैं राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिक्यूटरी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये और है कोयना यार लिखे नहीं है मैंने कोयना ही ऊपर लिख दी है जिनको बाद में मिली थी तो इसलिए कोयना भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है <coughs> जो कृष्णा है वो सेकेंड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है मतलब पैनेसोर मतलब साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पेनेसोलर रिवर है पहली तो आपको पता है गोदावरी है तो सेकंड जो है वो ए, क्या कहते हैं कृष्णा है फिर तो ये फोर्थ बिगेस्ट रिवर है मतलब अगर ऑल इंडिया में देखी जाए तो सबसे बड़ी फोर्थ रिवर है लेंथ इतनी है इसके लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी का नाम तुंगभद्रा है इसमें डैम ये मैं बता चुका हूँ कल श्री सालम हाइड्रो में मैं इसीलिए बता रहा था श्री सालम में आपको पता आग लग गई थी श्री सारम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम में मैंने कल आपको बताया कृष्णा रिवर से रिलेटेड है और कौन से है अलमाटी डैम और नागार्जुन सागर डैम ये तीनों डैम किस रिवर पे अगर कोई पूछे कहाँ पर है तो कृष्णा रिवर पे ये तीनों डैम है इसमें एक बैराज का नाम जिक्र हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है प्राक्षम बैराज प्राक्षम बैराज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो आंध्र प्रदेश का है प्राक्षम प्लीज रिमेंबर प्राक्षम बैराज कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो आ सकता है सो ये रिवर आई तो मैंने फिर से बता दिया जिन लोगों को नहीं पता ये रिवर का मैं नोट शेयर भी करता रहता हूँ तो आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट सवाल हो सकता है ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर्स इसलिए बताना पड़ रहा है सो नेक्स्ट न्यूज इज हाँ अभी ए जी ये अटॉर्नी जनरल है इन्होंने डिक्लाइन कर दिया प्ली अगेंस्ट स्वरा अभी आपको पता है स्वरा भास्कर जी ने अभी जब कोर्ट का जजमेंट आया था भूमि का तो उन्होंने कुछ बोल दिया था उन्होंने बोला था वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर कंट्री स्टेट डेट द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वॉज अनलॉफुल एंड इन द सेम जजमेंट मतलब इन्होंने ये बोल दिया था कि हम ऐसे देश में रहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरफ तो कहता है कि बाबरी मस्जिद गिराने वाला जो है वो अनलॉफुल कांड था और दूसरा उन लोगों को प्रेस करता है जिन्होंने गिराई थी तो ऐसे ही सुरा भास्कर जी ने बोला था मैंने कुछ नहीं बोला भाई <laughs> कोई ऑफेंड हो जाए तो ये जो अटॉर्नी जनरल हैं ये बोल रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहला जाएगा इन्होंने कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोला है लोग बोल रहे थे एक इन पे सौरा भास्कर जी पे एक दायर हो गया था याचिका कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा तो जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है उन्होंने केवल अपनी ओपिनियन रखी है ऐसा ये अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं तो पिटिशनर ने कहा ठीक है, है वेणुगोपाल जी ने अभी आपको पता है हमारे अटॉर्नी जनरल तो वो सीख कंसेंट करना चाहते हैं सोलिसटर जनरल की ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है अब हम जान लेते हैं अटॉर्नी जनरल वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर ऑलरेडी सी में क्वेश्चन आ चुका है गो चेक इट आउट सी ए पी एफ टू थाउजेंड नाइनटीन में ही आ चुका है अटॉर्नी जनरल से सवाल तो आने की रिपीट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ पोस्ट है तो आर्टिकल सेवन सिक्स में तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई हाइस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ये एक ऑफिशियल क्वालिफाई होता है सुप्रीम कोर्ट जज के क्वालिफिकेशन का होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है इनका टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितने साल तक ये लिए रहेंगे और रिमूवल प्रोसेस ये दोनों चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है इसको होल्ड uh, करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब इनको पीओपी मिला हुआ है मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें कभी भी रिमूव कर सकते हैं बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम फिर इनकी ड्यूटी क्या है जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मैटर होंगे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करना है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश करना है कोर्ट में तो अटॉर्नी जनरल ही करेंगे ही अपियर ऑन बिहाफ ऑन गवर्नमेंट कोई भी मैटर हो बस ये आपको ये ध्यान रखना है और क्या कहते हैं राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स मान इनको प्राइवेट का भी अधिकार है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन अगर कोई इनके पास प्राइवेट अपना केस लेके जाता है तो ये प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं मतलब ये तो बढ़िया एक लॉयर ही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस भी लड़ेंगे और प्राइवेट का केस भी लड़ेंगे यही था क्वेश्चन कि प्राइवेट केस लड़ सकते हैं कि नहीं उसमें जो सी ए पी एफ में आता और क्या कहते हैं इनको पार्लियामेंट प्रिविलेज मिली हुई है ही इन्जॉय ऑल प्रिविलेज केवल ये वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते लेकिन जितनी प्रिवलेजेस पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलती है वही प्रिविलेज इन्हें भी मिली हुई है ये प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं मतलब जो उनके वहाँ डिस्कशन होता है उसमें अटॉर्नी जनरल भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते ये फुल टाइम काउंसिल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और ही प्रैक्टिस आउटसाइड ही कैन प्रैक्टिस आउटसाइड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पिंक कलर से भी लिखा है ये क्योंकि पूछा गया था ये बाहर भी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस भी लड़ेंगे बाहर लोगों का भी केस लड़ेंगे ये पार्ट हो सकते हैं सेंट्रल कैबिनेट का ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल कैबिनेट में हो सकते हैं कि नहीं तो हाँ हो सकते हैं और आर्टिकल हाँ. जो है अटॉर्नी जनरल के, में में के, में में के अंदर ही सॉलिसिटर जनरल आता है मतलब सॉलिस जनरल जो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को तो अटॉर्नी जनरल तो आर्टिकल सेवेंटी मेंशन में है लेकिन सोलिसिटर जनरल का कहीं भी कोई मैंशन किसी भी आर्टिकल में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के ये ध्यान रखिएगा सो so, तो बस इतना ही जानना था तो आप ये वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट अपने कॉपी में लिख सकते हैं और ये हमारे नोट्स से ही है तो मैं कुछ रो, नोट्स रोज ही शेयर करता रहता हूं तो जिनको भी नोट्स लेने हैं वो हमारी ऐप से ले सकते हैं सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ अभी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में तो मैं ऑफ ऑफ कोर्ट बता देता कोर्ट किस में लिखा गया है तो आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें लिखा गया है द पावर टू पनिश फॉर कंटेम ऑफ इट देखिए क्या लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है द पावर टू पनिश पावर है पनिश करने की सुप्रीम कोर्ट के पास अपने आप फिर आर्टिकल 142 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को और आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट वाला है कि कंटेम्प्ट कहीं किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है <laughs> सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है क्वेश्चन यही आएगा कि ऑफ कंटेप्टोड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं ऑफ कोर्ट कहीं मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा इससे बनेगा तो देखिए मेरे को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है सारे एक्सेप्शनल केस क्योंकि यूपीएससी एक्सेप्शन पर ही क्वेश्चन बना देता है तो ये आप देखिए न्यूज़पेपर आप कितना ही रीड कर लीजिए जाइए आप कितने भी न्यूज़पेपर कहीं चाहिए भले आप द हिंदू रीड करिए भले आप पी रीड कर लीजिए भले आप राज्यसभा टीवी देख लीजिए ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा कोई कि ये और यही एग्जाम में पूछ लेता वो तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा आपको ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है हाउ आर द एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके से कंटेम्प्ट हो सकता है तो सिविल कंटेम्ट हो सकता है क्रिमिनल कंटैम्ट हो सकता है सिविल कंटैम्ट होता है कि हमने जजमेंट को नहीं मारा जो भी ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर थे हमने उसे माना नहीं तो वो सिविल कंटैम्प्ट हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या हो गया कि हमने स्कैंडलाइजिंग कर दिया लोअर द कर दिया अथॉरिटी मतलब हमने जो सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है उसको लोअर कर दिया उसके काम में इंटरफेरेंस ला रहे हैं और ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस अगर जजमेंट के खिलाफ जाएंगे तो क्रिमिनल केस में आ जाएगा जजमेंट से रिलेटेड कुछ मामला है तो सिविल केस में आ जाएगा आप ऐसे एग्जाम के लिए ध्यान रखिए इसमें दो चीज़ें जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते अगर ट्रुथ की बात हो रही है या कोई पब्लिकेशन है जो सच की खोज में लगी हुई है तो वो कंटेम्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहला जाएगा क्या क्या चीज़ एक तो ट्रुथ के केस में और इनोसेंट कोई पब्लिकेशन है उसने कोई सही चीज़ छाप दी है किसी मीडिया ने कुछ सही चीज़ छाप दी है कोर्ट के बारे में तो वो ऑफ कोर्ट नहीं है या सच्चाई की बात हो रही है तो कंटेम ऑफ कोर्ट नहीं है अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर बस ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पावर है सारे कोर्ट्स के पावर है सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास भी पावर है ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने यूज कर सकते हैं तो ये लास्ट पॉइंट में ये लिखा गया है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हाई कोर्ट जो है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चार्ज कर सकता है मतलब हाई कोर्ट जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट से छोटा होता है उसको भी चार्ज कर सकता है कि आपने कंटेम्प्ट कर दिया माई चांस हाई कोर्ट ने कुछ बोला सबॉर्डिनेट कोर्ट को कि ये काम कर दीजिए और उन्होंने वो नहीं करा तो कंटेम्प्ट के लिए हाई कोर्ट इतनी पावर रखता है सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ पाकिस्तान ने डिनाइज दाउद प्रेजेंट इन टेरिटरी ये देखिए इतने गलत लोग हैं मतलब ये पाकिस्तान वाले आतंकियों को सपोर्ट करते हैं अब पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे यहाँ दाऊद की प्रेजेंस है ही नहीं जबकि ये वहीं बैठे होंगे सर <laughs> अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि अक्टूबर में एफ की लिस्ट निकलने वाली है एफ क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो अगर अक्टूबर में अभी ग्रे लिस्ट में आप सबको पता है कि ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान तो अब पाकिस्तान डर रहा है कहीं उसे ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे ये एफ एफ अगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाल देता है तो इनके पास जितनी फंडिंग आती है कहीं से कोई फंड नहीं करेगा क्योंकि कर्व कर देता है अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली जाती है तो उसको कोई भी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के कोई उसे फ़ंड नहीं दे सकता तो ये इंपॉर्टेंट रीज़न होता है एफएटीएफ का तो एफएटीएफ क्या है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो नाइनटीन में बनी थी किसके द्वारा जी के द्वारा जी सेवन में ये मेम्बर्स आते हैं पी फाइव प्लस टू मेम्बर्स बोलते है न, P5, हैं ना पी क्या कहते हैं फाइव परमानेंट मेंबर और दो औरतें तो ये आप मैंने यहाँ नाम लिखे हैं आप एक बार देख सकते हैं फिर इसका इनिशियली ये काम क्या था क्योंकि केवल मनी लॉन्ड्रिंग के, के केस देखता था लेकिन 2001 में इसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के भी केस दे दिए तो दो काम करता है एक तो मनी लॉन्ड्रिंग एम एल प्लस टी एफ ऐसे याद करते हैं हम तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, के केस देखता है और अप्रैल दो में इसे फाइनेंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तीसरा पॉइंट वेपन ऑफ माइजन के लिए भी रखा गया था बस आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के केस देखता है अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई इसका सेक्रेट्रियट कहाँ ये भी पूछ लेते हैं तो इसका सेक्रेट्रियट जो है वो ओ में ओ के अंदर इसका सेक्रट्रियट है एक चीज़ ये हो गई और हाँ ये दो वर्ड और हैं ए और ई तो ए है एशिया पैसिफिक ग्रुप ध्यान रखिएगा एशिया पैसिफिक ग्रुप ये भी सेम काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही काम करता है लेकिन एशिया पैसिफिक वाले रीजन में करता है और दूसरा यूरेशिया एशिया ग्रुप यूरेशिया ग्रुप तो ये यूरोप वाले रीजन यूरोप और मिडिल ईस्ट वाले रीजन देखता है तो ये दोनों एजेंसी का पार्ट इंडिया पहली चीज तो ये कि इंडिया इनका मेंबर है तो हाँ इन दोनों एजेंसी का मेंबर है एशिया पैसिफिक और यूरेशिया ग्रुप तो इन दोनों का इंडिया मेंबर है और ये दोनों जो है वो एसोसिएट मेंबर है इसकी एफ की तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसोसिएट ऐसे याद रखेगा इसी वर्ड को याद रखेगा इसी में कन्फ्यूजन होगा एसोसिएट मेंबर है ऑफ एफ एफ की अगर यही लिखा हो एग्जाम में तभी टिक होगा वरना नहीं होगा ये दोनों चीज एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशिया ग्रुप एसोसिएट मेंबर है एफ का इंडिया इन दोनों का पार्ट है इंडिया इसका भी पार्ट है ये और ध्यान रखिएगा इंडिया इसका नॉन परमानेंट पार्ट है नॉन वो नॉन परमानेंट कह रहा हूँ इनफॉर्मल पार्ट है इनफॉर्मल इंडिया एफ का सो द नेक्स्ट न्यूज इज हां सेंटर सेटअप फॉर काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर तो सेंटर ने सेटअप कर दिया काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर तो वैसे इसमें मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है किस मिनिस्ट्री के तहत रखी गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसने बनाया तो प्लीज रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पा ने काउंसिल बनाई है फॉर ट्रांसजेंडर इसमें और कुछ नहीं जानना सो द नेक्स्ट न्यूज इज अच्छा इसी का आज क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ट्रांसजेंडर बिल आया था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट केस है उस केस का नाम आज मेरे को बताएंगे जिसमें ट्रांसजेंडर की बात हो रही है बहुत ज्यादा बात हो रही है एक ही केस है पिछले साल शायद वो आया था तो उसका आज नाम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट केस है शायद एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो आज आप लिखेंगे सो द न्यूज़ इज़ ओवर आई होप यू लाइक द लेक्चर और कल का लेक्चर इसलिए नहीं आया क्योंकि कल द हिंदू पब्लिश ही नहीं हुआ था मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे सर आपने मैसेज में कोई इतना सारा मैसेज आ रहा था मेरे को इंस्टा पे सब बोल रहे थे सर क्यों पब्लिश नहीं कर रहे तो मेरी गलती नहीं है सर द हिंदू पब्लिश ही नहीं हुआ था ड्यू टू गणेश चतुर्थी और मैंने वो टेलीग्राम पर डाल दिया था जितने लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो सब हमारे टेलीग्राम के स्टडी फंडा वाले ग्रुप में जुड़ जाएँ वहाँ हम अपडेट्स देते रहते हैं मैंने सुबह ही डाल दिया था कि आज न्यूज़पेपर नहीं आएगा चलिए कोई बात नहीं तो जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे जो पुराने हो एक लाइक एक लाइक एक शेयर करेंगे और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मेहनत करिए यार अब तो आपके लिए इतना सारा मेटेरियल लेके ला रहे हैं आप देखिए कल से हमारे ग्रुप में इतना सारा मेटेरियल आने लग गया इसी लिए क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे सो प्लीज़ फोकस ऑन यूर एग्ज़ाम कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़ लाइक करो यार एक लाइक like करो यार और थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय